डॉक्टर्स पर बढ़ते हमलों को रोकने के लिए सरकार नया कानून लाने जा रही है। इसी के तहत डॉक्टर्स पर हमले के दोषी को 10 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल 2019 के ड्राफ्ट को सार्वजनिक करते हुए इस पर 3 दिन के अंदर आम लोगों की राय मांगी है। आईपीसी से जुड़े इस ड्राफ्ट बिल में लिखा है कि जो कोई भी सबसेक्शन में वर्णित हिंसा की वारदात को अंजाम देगा और उससे किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को आईपीसी धारा 320 में परिभाषित चोट आएगी, उनका दोष साबित होने पर कम से कम 3 साल की जेल होगी, जो 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। साथ ही कम से कम 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, जो अधिकतम 10 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। बता दें, देश भर में मरीजों के परिजनों द्वारा डॉक्टर्स पर हमले और अस्पतालों में तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी के चलते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सरकार से ऐसी वारदातों पर रोक लगाने के लिए कई कानून लाने की मांग कर रहा है। सरकार ने इस ड्राफ्ट बिल पर आम लोगों की राय मांगी है। इस महीने के आखिर तक आप भी अपनी राय दे सकते हैं।